देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। बिना किसी काम के इतनी बड़ी गुड़िया ली तूने, पूरे हफ्ते भर का पगार उसमें लगा दिया। अबे एक महीने का स्टॉक आ जाता अपना संतरे का, पता है क्या? ए, तुझे दारू के अलावा और कुछ नहीं सूझता क्या? अच्छा दारू छोड़, राशन, राशन तो आया होता ना है? देख चिन्नप्पा, बच्ची को इतना ज्यादा लौड़ मत कर, ये बच्चियां है ना कभी अपनी नहीं होती। ए संपत, तू अब चुप बैठेगा कि नहीं? वो गुड़िया, उस डेंजर गुड़िया के लिए दिन रात रो रही थी मेरी लक्ष्मी। ये नई गुड़िया लाया हूँ, इसे देखकर देखना मेरी लक्ष्मी कैसे टनाटन नाचेगी। टनाटना, वो टनाटन नाचने के लिए वो बाहर आनी भी तो चाहिए ना। मुझे भी जाना है उस दूसरी दुनिया में। अच्छा तो और ऊंचा झोंका लो, और ऊंचा, और ऊंचा। ओए, ओ भैया, क्या हुआ, क्या काम है? छुट्टी कब होगी? अभी वो घंटी बजा के छोड़ देना बच्चों को, वो ताला क्यों लगा रहे? अरे स्कूल तो कब का छूट चुका है। स्कूल छूट गया? हाँ बाबा, एक घंटे पहले ही छुट्टी हो गई, सारे बच्चे अपने अपने घर गए। अरे लेकिन मेरी लक्ष्मी तो। अरे तेरी बेटी गई है, मैंने खुद देखा है, मैं पहचानता हूँ तेरी बच्ची को। गई? हाँ। कहाँ? हाँ, एक औरत आई थी उसे ले जाने। औरत? औरत? हाँ। अरे तेरी बेटी ने उसे देखा और भाग कर गई और उसके बगल में बैठ गई। अरे बाबा तो अब मैं क्या करूँगा, अब बच्ची पहचानती होगी तभी तो उसके पास गई ना, गई फिर उसके साथ। मोनू, मोनू भैया, मेरा मोनू कहाँ है? मोनू? मोनू तो नहीं है। नहीं है मतलब? हमेशा आपके वैन से आता है, तो कहाँ है मेरा मोनू? वो वैन में कैसे होगा, उसे तो आपके साथ होना चाहिए। मेरे साथ? हाँ, मोनू देखा नहीं तो मैंने वॉचमैन से पूछा, वॉचमैन ने बताया कि वो तो अपनी माँ के साथ। माँ के साथ? हाँ। मोनू माँ के साथ? मुझे वहाँ जाना है अपनी माँ के पास। मोनू, मैं जा सकता हूँ क्या दूसरी दुनिया में? हाँ जा सकते हो, तुम बहुत करीब हो, बस थोड़ी सी और दूरी। आई आई आई। अरे उषा, मोनू, मोनू। अरे उषा क्या हुआ? मोनू स्कूल से घर नहीं आया, मुझे पता है वो यही है। मोनू, अरे यहाँ कैसे आएगा वो, मैं तो घर में ही हूँ ना, और आया होता तो मैंने तुझे कॉल नहीं किया होता क्या? आप मुझे कॉल करती, लेकिन वो औरत मुझे कॉल क्यों करेगी? वो आपके घर में रहती है पर आपको सारी बातें नहीं बताती, तो मुझे क्यों बताएगी? पहले आपके बेटे के ऊपर उसकी नज़र थी, लेकिन अब उसकी नज़र मेरे बेटे मोनू के ऊपर है। मोनू, मोनू को प्लीज बुलाओ ना, बुलाओ ना प्लीज। ए रमा, रमा चलो बाहर आओ। उषा, अरे वो घर में नहीं है। वाह बहुत खूब, मतलब पहले उस चुड़ैल को घर में लेकर आओ और फिर बाहर छोड़ दो बच्चों को चुराने के लिए। नजर ही रखना है ना, नजर रखना है तो उसे रूम में बंद करके रखना चाहिए ना। अरे उषा मैं तुझे क्या बोलूं, मेरे घर में अब मेरी ही कोई इज्जत नहीं रह गई। मेरे मोनू को कुछ हुआ ना तो याद रखना, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, एक माँ का श्राप लगेगा, जल के राख हो जाएगी। वो कहते हैं ना, सूखे के साथ गीला भी जलता है, ये घर जल के राख हो जाएगा, याद रखना निरंजन की माँ। उषा, उषा शांत हो जा, पैर पड़ती हूँ मैं तेरे, शांत हो जा। हाँ देख, देख मैं हूँ ना, हम ढूंढते हैं ना मोनू को, मिल जाएगा, आ जाएगा वापस घर। तो रुक, मैं निरंजन को कॉल करती हूँ। Thank you.
रमा, अरे क्या चल रहा है तुम्हारा? मैं कब से देख रहा हूँ तुम लोगों के घर में झांकते फिर रहे हो, क्या चल रहा है तुम्हारा? साहब आपको जैसा लग रहा है वैसा कुछ नहीं है, मैं चोरी चकारी नहीं करता हूँ। साहब मेरी बेटी लक्ष्मी, उसका क्या? उसे ही ढूंढ रहा हूँ साहब, वो मुझे मिल ही नहीं रही है। मिल नहीं रही मतलब? सुबह स्कूल गई थी, वहीं से कोई उसे लेकर गया है, कोई तो औरत थी ऐसा वॉचमैन ने बताया। साहब बिना माँ की बच्ची है वो, माँ बोलकर कौन लेकर गया होगा उसे? सुन तू जरा चल मेरे साथ। साहब मैं सच में चोर नहीं हूँ साहब, साहब मैं आपके पैर पड़ता हूँ साहब, मुझे पुलिस के पास मत लेके जाइए। पुलिस वालों के पास नहीं ले जा रहा हूँ, तुझे चल कह रहा हूँ ना, तुझे तेरी बेटी चाहिए हो तो चल चल। कहाँ है वो रमा? अरे वो घर में नहीं है। लगा ही था, बिल्कुल यही लगा था मुझे। मेरा अनुभव मुझे ये कहता है कि इसमें 100% रमा का ही हाथ होगा। अरे इसकी भी लड़की भगा कर ले गई है वो। अरे अरे कहाँ से भगा गई? मेरी बेटी लक्ष्मी स्कूल गई थी, वहीं से लेकर गई उसे। स्कूल से? मतलब मेरे मोनू को भी स्कूल से? मेरा मोनू, मोनू। एक मिनट, सब लोग धीरज रखो, ऐसे निराश मत हो। निरंजन की माँ, मुझे उसका कमरा देखना है। ठीक है ठीक है। पापा, बेटी और बेटा। मतलब मोनू? मेरी लक्ष्मी। मतलब ये कहाँ होगा मेरा मोनू? कहाँ होगा? मिल जाए। पता नहीं। अरे उषा क्या हुआ, ऐसी जल्दी में मुझे क्यों बुलाया? मेरा मोनू मिल नहीं रहा है, मुझे पता है मेरे मोनू को उसी ने गायब किया है। आप उसे घर से क्यों नहीं निकाल रही हैं? पता नहीं कहाँ है मेरा मोनू। मोनू देखो देखो, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, माफ कर दो मुझे। तुम्हें जो भी सजा देनी है ना वो मुझे दो, पर मेरे मोनू को कुछ मत करना। कहाँ रखा है उसे बताना, मेरा इकलौता बेटा है, मेरी जान जा रही है। बताओ प्लीज बताओ मोनू कहाँ है। उषा उषा शांत हो जा। माँ क्या हुआ है? इसी से पूछ ले। मोनू मिल नहीं रहा है,
और मेरी बेटी भी, मेरी लक्ष्मी भी गायब है। तू कौन है भाई? साहब मैं झाड़ू मारता हूँ इसी गली में, मेरी बेटी भी कहीं मिल नहीं रही है साहब। अरे फिर पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत करो ना, यहाँ क्या कर रहे हो? क्योंकि यही के किसी व्यक्ति ने गायब किया है उन दोनों को। मतलब किसने गायब किया है? सटे चाचा, आप खामखा उस पर गलत सलत इल्जाम मत लगाइए। आपको हर चीज में सिर्फ और सिर्फ रमा का हाथ दिखने लगा है। इस सबसे रमा का हरगिज कोई संबंध नहीं है। निरंजन, अरे ये सही कह रहे हैं, मेरी भी जान अटक गई थी कि तू ठीक होगा या नहीं। अरे क्या हुआ है मुझे माँ? मैं ठीक दिख रहा हूँ ना आपको? हाँ क्या हुआ है मुझे? अरे तुम ठीक हो, लेकिन उन दो बच्चों का क्या? उनका क्या है, वो कहाँ है, हमें क्या पता? उन्हें कहाँ लेकर गई है, पूछना इसे। वो किसी को भी कहीं लेकर नहीं गई है माँ, क्योंकि बोलो ना क्या कारण है। पिछले 4 घंटों से वो मेरे साथ थी, हम चौपाटी पर गए थे एक साथ। क्या मतलब? मैं ही लेकर गया था उसे, और इन 4 घंटों में वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं गई। निरंजन, अरे रुको माँ रुको, मुझे पता है आप क्या कहने वाली हैं, लेकिन वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि मोनू और इनकी बेटी, उनके गायब होने का और इस सब का रमा से कोई संबंध नहीं है। चुनप्पा, चुनप्पा, लक्ष्मी मिल गई, वो घर पर आई है, वो जुम्मन है ना, वो बोला। अरे मैं अपनी आंखों से देखकर आया हूँ उसे, वो दरवाजे पे तेरी राह देख रही है। चल 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 घर पे चल, जल्दी चल। उषा तेरे घर में लाइट चालू है, देख तो। माँ, मोनू। अरे बाप रे, मारने के लिए? अरे एक बिन माँ की बच्ची है वो, इकलौती है वो, समझा? इसलिए तो मार रहा हूं ना मैं उसे। अगर कल जाके इसको कुछ हो गया तो किसकी शक्ल देखूंगा मैं? हा? लेकिन इसके भेजे में कुछ आता ही नहीं है। इसको जैसे मेरी जरूरत होती है ना, मुझे भी इसकी जरूरत है ना। तेरी बात बराबर है चिन्नप्पा, लेकिन बिचारी बच्ची है वो यार, हाँ? उसको जैसा तू चाहिए वैसा उसको उसकी माँ भी चाहिए ना, हाँ? मतलब? अरे चिन्नप्पा, तेरी लक्ष्मी माँ ढूंढ रही है। वो देख, उस दिन वो उसको देखकर माँ बोली, बोली ना, मैंने तुझे बोला था बहुत डेंजर है, मिटा दे उसको। एक बात है चिन्नप्पा, मुझे इसमें, लक्ष्मी में और उस औरत में कुछ तो जॉइंट पॉइंट दिखता है। मिटा दे इसको, मिटा दे। पापा नहीं।
आखिर आपने तमाशा कर ही दिया। उन लोगों की बातों में आकर भरी सड़क पर आपने रमा से क्या कुछ नहीं कहा, सबके सामने आपने उसे रुलाया। निरंजन, पानी सिर के ऊपर जाने के बाद ही पता चलता है और बातें पता चलने के बाद ही लोग नाम रखते हैं। आपका ये पहेलिया बूझना है ना माँ? आपकी पहेलिया आप ही बूझिए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं उसमें। पहेलिया नहीं बोल रही हूँ मैं, सब कुछ साफ साफ सामने है। तू अंधा हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा। जरा आंखें खोलकर दुनिया की तरफ देख, तब समझ में आएगा तुझे। माँ, आप ना उन पागल लोगों की बातों में मत आइए। कितनी बार बोल चुका हूँ मैं आपसे। वाह रे वाह, पूरी दुनिया पागल है, सिर्फ तू और वो औरत ही बुद्धिमान है, है ना? उसे इस घर में मत लाना, ऐसा मैंने कहा था। सुना, घर में जब अजीब अजीब चीजें होने लगी थी तब भी कहा था बाहर निकाल दे इसे। सुना तूने? हाँ, मान लो कि मैंने उसे बाहर निकाल दिया, उससे आपका क्या भला होगा? अरे मेरा नहीं, तेरा ही भला हो गया होता। जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम खत्म हो गई होती तेरी। मंगल भी आपको प्रॉब्लम ही लग रही थी और उसके बारे में भी आप यही कह रही थी। हाँ, यही कह रही थी मैं, क्योंकि ये जो है ना, मंगल ही है। होगी वो मंगल। माँ, अगर वो मंगल होगी ना, तो फिर उसे रहने दो इसी घर में। और आप भी ऐसे ही समझिए कि मेरे प्यार की खातिर वो वापस आ गई है और वो अब इस घर से कभी नहीं जाएगी। ठीक है, खुश? निरंजन, अरे निरंजन, चार लोगों की फैमिली।
कितना सामान फैला कर रखा है। छी, कितनी धूल है। आज सब कुछ साफ करना ही होगा। अरे ये पुरानी कुंडलियां कितने दिनों की है, आज इन्हें ठिकाने लगाना ही होगा। ये क्या है, कुंडली? हाँ, मंगल की कुंडली। मंगल? मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मुझे जवाब मिल गया। मंगल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पता नहीं कौन है, कहाँ से है, अनाथ है, ना कोई आगे है ना पीछे। आपको बता रही हूँ, हमारा बड़ा घर, प्रॉपर्टी और निरंजन की नौकरी देखकर ही ना उसके प्यार में गिरी है। बिल्कुल सही, मैंने ये बात निरंजन को कितनी बार कही है, लेकिन वो तो समझने को तैयार ही नहीं। उसकी तो एक ही रट होती है, मंगल मंगल और मंगल। देखिए निरंजन की माँ, आजकल के बच्चे माँ बाप की बात सुनते कहाँ है। माँ बाप ने जांच परख कर पसंद किया हुआ जोड़ीदार इन्हें पसंद नहीं आता है। लेकिन अब क्या करें, क्या बताइए? कुंडली, कुंडली मिले तो शादी कराऊंगी, ऐसी शर्त रखिए उसे। अरे अनाथ लड़की है वो, उसकी कुंडली कहाँ से आएगी? अरे निरंजन की माँ, जगह और जन्म समय पता चल गया तो कुंडली बनाने में कितना समय लगता है। अरे लेकिन कुंडली जुड़ गई तो? देखिए निरंजन की माँ, कुंडली मिलेगी ही नहीं, इस बात की जिम्मेदारी मेरी है। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई है। मंगल और निरंजन की शादी ना हो इसलिए जानबूझकर मैंने मंगल की नकली कुंडली बनाई थी, और गुण मिल नहीं रहे हैं ऐसा झूठ बोला था मैंने। लेकिन आपने ये सब अपने मन से थोड़ी ना किया है, निरंजन की माँ के कहने पर किया है ना, इसमें आपकी क्या गलती है? उसके खिलाफ जाने वाले किसी को भी वो, बिल्कुल किसी को भी वो नहीं छोड़ने वाली। बाप रे, ये सब क्या हो रहा है? इस लाइट को भी आज ही जाना था क्या? रुकिए, मैं अंदर जाकर कैंडल लेकर आती हूँ। रुको, हाँ? तुम जाओ मत। डर क्यों रहे हैं जी? मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, किचन में जाकर मोमबत्ती लेकर आती हूँ। बस अभी आती।
सुनिए जी, मैं क्या कहती हूँ। आग, 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 हमारी बेटी को बचा लेना चिनप्पा, हमारी लक्ष्मी को बचा लेना चिनप्पा, चिनप्पा हमारी बेटी को बचा लेना चिनप्पा। कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, सारे कागज पोती पुस्तक कुंडलियां सब सब कुछ जलकर राख हो गया। जिंदगी भर जो कमाया था सब जल गया। भाभी रोइए मत। अरे आप दोनों की जान बच गई, ये क्या कम है? हाँ जरा देखो इनकी तरफ, ना यहाँ से हिल रहे हैं ना कुछ बोल रहे हैं। खाना तो छोड़ो, पानी भी नहीं पी रहे। इतने सालों से कमाया हुआ पढ़ा हुआ सब सब कुछ गया, अब हम क्या करेंगे? घर में इतनी आग लगी है तो दिल पर थोड़ा तो असर होगा ही ना। आप चिंता मत कीजिए, वो खुद इसमें से बाहर आ जाएंगे और वापस कुंडली देखने लगेंगे। कुंडली? अरे उस औरत की कुंडली देखने के बाद ही ये सब कुछ हुआ है। इन्होंने उस मंगल की नकली कुंडली बनाई थी, निरंजन और मंगल की शादी ना हो इसलिए, इसी वजह से वो औरत हमें जलाने के लिए आई। अरे घर जला दिया उस औरत ने हमारा, अब किस बात का इंतजार कर रही आप? अरे मैं तो देखिए एक न एक दिन ये सब कुछ आपके साथ भी होकर ही रहेगा, इसलिए अभी कुछ सोचिए। हम जैसे बर्बाद हो गए ना, वैसे आपके साथ ना हो जाए फिर, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। अच्छा सुनो ना, माँ कहीं दिख नहीं रही, कहीं बाहर गई है क्या? हाँ साठे चाचा के घर गई हैं। साठे चाचा के घर इतने सुबह सुबह? साठे चाचा के घर में कोई पूजा है क्या? साठे चाचा को ना बस बहाने चाहिए होते हैं पूजा करने के। कल साठे चाचा के घर में आग लग गई ना, इसीलिए गई हैं। क्या आग लगी थी? हाँ मतलब कुछ ज्यादा नहीं जला, बस कुछ पुराने कागजात थे वो जल गए जो किसी काम के नहीं थे। अरे लेकिन रमा मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। अरे लेकिन ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ है, बस छोटी सी आग लगी थी। अरे रमा छोटे बड़े की बात नहीं है, लेकिन हमारे पड़ोस में ये सब हो रहा है और वो भी साठे चाचा के घर में, मतलब रहने दो। लेकिन अच्छा हुआ तुमने मुझे बताया, ऑफिस जाने से पहले मैं उनसे मिलकर आता हूँ। सुनो वहां मत जाओ। नहीं जाऊं? क्यों? मतलब मुझे नहीं लग रहा कि तुम्हें वहां जाना चाहिए। अरे रमा
वो सालों से हमारे पड़ोसी हैं। घर दो हैं लेकिन लोग तो एक साथ ही रहते हैं ना, ऐसे भाव हैं लोगों के। अरे बहुत नजदीकी रिश्ता है हमारा। जिन्हें हमारे रिश्ते की समझ नहीं उनके साथ क्या रिश्ता रखना। जिन्हें हमारे रिश्ते की समझ नहीं उनके साथ क्या रिश्ता रखना। मैं सच कह रही हूँ निरंजन, ऐसा रिश्ता रखकर कोई मतलब नहीं है। मैं सच कह रही हूँ निरंजन, ऐसा रिश्ता रखकर कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे लिए मैं और मेरे लिए तुम ये बहुत है। तुम्हारे लिए मैं और मेरे लिए तुम ये बहुत है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या बोलूं, क्योंकि बिल्कुल ऐसी ही बातें मैंने मंगल के मुंह से सुनी थी कुछ सालों पहले, और आज फिर एक बार। तुम फिक्र मत करो, मुझे फॉर्मेलिटी के तौर पर जाना होगा। जाऊंगा, दो चार बातें करूंगा और ऑफिस चला जाऊंगा। ओके। चाचा, चाची आप ठीक है ना? ये तुम्हें ठीक लग रहे हैं क्या? मुझे आपकी फिक्र हो रही है इसलिए। नहीं चाहिए हमें तुम्हारी फिक्र विक्र। अगर सच में तुम्हें हमारी फिक्र होती ना तो जिसकी वजह से हमें हमारी जान की फिक्र हो रही है उसे घर से निकाल दिया होता। ये सब उसी की वजह से हुआ है। चाची बस, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहेंगी। आपके घर में आग लगी थी क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया, इसलिए। रमा आई थी क्या माचिस लेकर आपके घर में आग लगाने? जो कह रही है बिल्कुल सही है, आप पड़ोसी जरूर है लेकिन आप जैसों के साथ ताल्लुक रखना, संबंध बनाना ही नहीं चाहिए। मैं उसके लिए और वो मेरे लिए, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं।
मामा। तू क्या कर रहा है यहाँ पर? तू क्या कर रहा है यहाँ पर? तू तूने क्या किया है? कुछ नहीं। क्या किया रमा? रमा को क्या किया है तूने? क्या किया तूने रमा को? रमा, तूने रमा को, रमा रुक, ए, रुक रमा, रमा, रमा। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम ठीक हो ना रमा? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? नहीं, मुझे क्या होगा? संपत चाचा, पापा कहाँ है? हा? पापा कहाँ है? पता नहीं बेटा। अरे हाँ, मेरी हीरोइन के लिए चॉकलेट लेने गया है। मेरी हीरोइन को चॉकलेट पसंद है ना? हाँ? अरे किधर गया था तू? क्या, 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 क्या करके क्या आया? बोल बोल ना। मैं उस औरत के घर गया था, उससे मारने। अरे पागल हो गया है क्या? अरे भेजा बेच कर आया है क्या मटन शॉप में? उस औरत को मारने उसके घर में घुस गया? नहीं 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 नहीं, वो औरत जिंदा है, वो औरत अभी भी जिंदा है, वो मरी नहीं है। आका की दुआ, तुझे किसी ने देखा नहीं ना? अबे तुझे किसी ने देखा क्या? किसने देखा? वो इंसान घर का मालिक है, रास्ते में आ गया। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। और क्या? और मेरा चाकू वहीं पर गिर गया। अरे चिनप्पा, तू पागल है यार। अरे अभी वो पुलिस तुझे पकड़ेगी। अरे तू 101% जेल में जाएगा देख। अरे खुद का नहीं तो इस बच्ची के बारे में तो सोचना चाहिए था ना। अबे तेरे को कुछ हुआ, अरे तो इसका क्या होगा? लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, हेलो पुलिस स्टेशन। पुलिस को फोन मत करो निरंजन। रमा तुम पागल हो क्या? एक आदमी हमारे घर में घुसकर तुम्हारी जान लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मेरी जान गई क्या? अरे लेकिन देखो निरंजन, अगर पुलिस आई ना तो फालतू का मैटर बढ़ेगा, मेरे ऊपर भी उंगली उठाई जाएगी। पहले ही हमारी परेशानी बहुत है, तुम और क्यों बढ़ा रहे हो? और वो वापस आया तो? नहीं आएगा। खले चाची आप अंदर आ जाओ। हाँ अंदर आइए ना। माँ नहीं है घर में, वो मुझे उनसे नहीं तुझसे ही काम है। ओह अच्छा, बोलिए ना, बोलिए। सुनो निरंजन, मैंने तुझे पहले भी वार्निंग दी थी कि इस औरत की वजह से सोसाइटी के लोगों को तकलीफ हो रही है, लेकिन तूने मेरी बातों को अनसुना कर दिया। मतलब? देखो मैं इस सोसाइटी की सेक्रेटरी हूँ और ये सोसाइटी हमारे फैमिली की तरह है, और इस फैमिली के लोगों को कोई तकलीफ ना हो ये मेरी जिम्मेदारी है।
तो फिर मैं क्या करूं? घर से निकाल दूं उसे, छोड़ आऊं उसे बाहर? वो तो तू नहीं कर सकता, लेकिन ये तो कर सकता है ना? उसकी आइडेंटिटी प्रूफ तो तू लाकर दे ही सकता है ना? अरे लेकिन अगर सोसाइटी में कुछ गलत हुआ तो वो काम में आ जाएगा ना? उसका पैन कार्ड, बैंक पासबुक, लाइसेंस, कुछ भी चलेगा। मुझे उस चीज का जेरोक्स लाकर देना सोसाइटी ऑफिस में। सोसाइटी का यही नियम है, तुझे तो पता है ना? अरे लेकिन आज ही चाहिए, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं। 2 दिन में दे, लेकिन पक्का देना हा? तो ही तेरे इस घर में तेरी मर्जी से तू इसे घर में रख पाएगा, समझा? अब चलती हूँ। अब मैं रमा का आईडी प्रूफ कहाँ से लाऊं? अगर आईडी प्रूफ नहीं दिया तो रमा को ये सोसाइटी वाले चैन से जीने नहीं देंगे। क्या करूं?